गवाहों के बयानात और चश्मदीद गवाह और तमाम तहकीकात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लॉरेंस परेरा ने आकाश जैन का दिन दहाड़े खून कर दिया। इसलिए अदालत दफा 302 के तहत लॉरेंस परेरा को सजाए मौत देती है। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। देखा आप लोगों ने इन अखबारों में क्या लिखा है, मजाक बन गया है अपना डिपार्टमेंट। शर्म की बात है, एक नहीं दो नहीं ये सातवां कैदी फरार हो गया है जेल से, और हर कैदी के फरार होने का तरीका एक ही जैसा है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है, और मैं उन हाथों में हथकड़ियां देखना चाहता हूं। टेक द एक्शन इमीडिएटली। मैं बाबूराव भेजा, माय नेम इज बाबूराव भेजा, जिसने दुश्मन को ऊपर भेजा, जिसने मेरे पास पैसा भेजा, मैंने उसके कैदी को जेल से बाहर भेजा। कैदी का तो ठीक हो गया भेजा, लेकिन पुलिस वालों का घूम गया भेजा, हर जगह भेजा ही भेजा, इसलिए माय नेम इज भेजा। पुलिस वालों के पास तो आपका फोटो ही नहीं है। अरे उनको तो साहब का नाम भी नहीं मालूम। आपके भेजे का तो जवाब ही नहीं, कमाल का भेजा है साहब आपका। अमेरिका वालों ने मांगा मेरा भेजा, रशिया वालों ने मांगा मेरा भेजा, जापान वाला तो बोला देता हूँ 3 करोड़ रुपया। मैं बोला अरे 3 फुट के बौने, दिस भेजा इज नॉट फॉर सेल, सबके सब हो गए फेल। इसलिए मेरा नाम बाबूराव भेजा, भेजा बाबूराव भेजा भेजा। आ गया आ गया, एक भायर आ गया। सर डोंट से भायर, से बायर। ओ बायर बायर, टॉन्ग स्लिप टॉन्ग स्लिप। बुलाओ बुलाओ। खोलो खोलो, इधर इधर। बाबूराव जी। हाँ जी। ओए बाबूराव भेजा जी। भेजा जी। ओए भेजा जी। हाँ जी। ओए भेजा जी। ओए नहीं छड़ांगा जी, नहीं छड़ांगा। ओए डाकू बचाओ। बचाएंगे बचाएंगे, लेकिन डाकू होकर बच्चे जैसा रोता क्यों है तू? हाँ खूब पहचानिया जी, खूब पहचानिया, तुसी खूब पहचानिया। ओ वेखो जी, असी डाकू शंकरा, डाकू जगीरा दा छोटा भाई। भाई साढ़े भाई नू जेल से छुड़ा लो जी, नहीं तो साड़ी टोली बिना डाके डाले पुक्को मर जाएगी जी, पुक्को मर जाएगी, पुक्को मर जाएगी, पुक्को मर जाएगी। कैदी को जेल से भगाने की मेरी कीमत जानता है तू? ओए पेजापा जी, अरे 3 लाख रुपए कम पड़े तो हम दोनों पाई जगीरा ते शंकरा, एने डके मारांगे, एने डके मारांगे कि तुहाडी तिजोरी रुपया से फट जाएगी। कपड़ा मत फाड़, कपड़ा मत फाड़, मुंह फाड़ के ये ड्रिंक घसीट जा। नहीं पेजापा जी नहीं, मैं भी कसम खाती सी, जब तक तुहाडे हाथों साडे पाई नू जेल से नहीं निकालूंगा, साडी पाबी दे चेहरे ते मुस्कान नहीं वेखूंगा, मैं पीड़ खाण नू हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तू समझ ले, तेरे खाने पीने का सामान तेरी किस्मत में बाबूराव भेजे ने अपने भेजे से लिख दिया। ओए पेजापा जी,
ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਏ ਰੱਬਾ ਓਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਕਰਾ तुम्हारे भाई की हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी कि इतिहास भूगोल हमें बताओ फिर हमारे साइंस का काम शुरू हो जाएगा। सेंट्रल जेल छपे जापाजी जंगल दे शेर नु पुलिस वालों ने दीवारों दे पिंजरे च कैद कर दिता उथे वो कुट कुट के मर जावेगा क्या जेल वालों को मार देगा। जेलर के बच्चे जागीरा वो तूफान है जब चल पड़ता है तो बंदूक से निकली हुई गोली हवा में ही रुक जाती है। आप ही ने तो फोन किया था। What? वो एम्बुलेंस किसके थी? मुझे नहीं मालूम सर। इसका मतलब है जागीरा फरार हो गया। जागीरा फरार हो गया। बाबूराव भेजा। My name is बाबूराव भेजा। आओ जागीरा आओ। आओ। आ गए यार। आज कुछ ज्यादा ही देर लगा दी है। बैठे बैठे सड़ गया था मैं। आएगा नहीं। Hey, what is this? भाई को यार बना दिया। पंजाबी भाषा को सीधा बंबईया में घुमा दिया। ये चक्कर क्या है यार? चक्कर सीधा है बाबूराव। और अब तुम भी सीधे हो जाओ। ये क्या है? अभी समझाता हूँ। योर नेम इज बाबूराव भेजा। My name is Inspector Shiv Kumar. अबे हाथ बाहर निकाल। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। अरे वाह, भेजा उड़ा दूंगा? अरे सारी दुनिया ने मेरा भेजा मांगा लेकिन मैंने नहीं दिया, और तू फ्री में मेरा भेजा उड़ा देगा? नहीं बाबूराव जी नहीं। हम तुम्हारा ये भेजा निकाल के म्यूजियम में रख देंगे और तुम्हें जेल में, जेल यू नो जहाँ से तुम कैदियों को फरार करवाते हो, थोड़ी देर में वहां से पुलिस यहाँ आ जाएगी। अबे शंकुरा के बच्चे, मैं समझ गया तू खबरी है खबरी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यू ब्लडी बास्केट। सर डोंट से बास्केट से। यू शट अप। जीत का तिलक। तुमने एक और मुजरिम को हथकड़ी पहना दी ना संगीता। मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाते पहनाते थक गया हूं।
अभी एक छोटा सा इंटरवल चाहता हूँ। इंटरवल? तुम जब भी आते हो ना, इंटरवल हो जाता है और हम सब मुजरिमों को छोड़कर एक मुजरिम में लग जाते हैं। और वो एक मुजरिम कौन है? तुम हो। हाँ, मैं ही तो हूँ तुम्हारी मुजरिम। इतने साल हो गए हमारी शादी को और मैं तुम्हें औलाद की खुशी भी ना दे सकी। अरे संगीता, तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना, और फिर तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, उसका फल तो हमें मिलेगा ही। और वैसे भी अभी तो हम जवान हैं, ये तो हमारे इश्क करने के दिन हैं। अरे अरे पकड़ लिया। क्या हुआ? हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा भाई यानी हमारी तकदीर, और ये है उसकी तस्वीर। संभालो अपने भाई को, आजकल कॉलेज में अजीब अजीब हरकतें करता है। अरे भाई, जब हम भी कॉलेज में थे तो हम भी अजीब अजीब हरकतें करते थे तुम्हारे साथ। नहीं, सुना है आजकल कॉलेज में बड़ी खतरनाक शर्तें लगाता फिरता है, पंजा लड़ाता है। अरे मुन्ने, राम का नाम लेकर लोग बड़े बड़े महारथियों को हरा देते हैं और तू खुद राम को हराने की सोच रहा है? हाँ? अबे खजूर, जितना सब ये खा रहे ना, उसका बिल चुका दे क्या? ए घनश्याम, आज का बिल जॉन के नाम। अच्छा बाबा, अच्छा तू शर्त जीतता जा, मैं बिल लेता जाऊंगा। चल जॉन, बिल भर। क्या वो तो सब ठीक है, पहले इस गेंडे को देखो, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, देखना एक दिन इसका पेट फट जाएगा। अबे ओ सेवानंद, क्यों इसकी सेहत पे नजर लगा रहा है? अबे ओ सिंगल फसले, तुझे देख के कोई भी ये बोलेगा कि हिंदुस्तान में अकाल पड़ा हुआ है। और इस मोटे को देखकर समझ जाएंगे कि अकाल क्यों पड़ा है। हाय राम। हाय आपा जान, क्या बात है, आज तो तू बिल्कुल भिंडी बाजार की भिंडी लग रही है। नॉटी बॉय, तुझे कितनी बार कहा है मुझे छेड़ा कर, उस फुलझड़ी मनीषा को नहीं। तूने उसे कल छेड़ा था ना, आज वो चार मूस ठंडे लेके आ रही है तुझे मारने के लिए। से छेड़ा था ना? छेड़ने को तो हम जहरीले सांप और खूंखार जानवरों को भी छेड़ते हैं, फिर ये तो हुस्न की दिलकश परी है। क्यों? परी नहीं, तुम्हारी गर्दन काटने वाली छुरी है जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। अच्छा अच्छा, इस पहलवान के जरिए? हाँ, क्यों इस बेचारे पहलवान की जुड़ी हुई हड्डियों को तुम मेरे हाथों से तुड़वाना चाहती हो? हा? मैं इसकी हड्डियां नहीं, तुम्हारे हाथ तुड़वाना चाहती हूँ, कल जिन हाथों से तुमने मुझे छुआ था। जाने मन, इन हाथों में जादू है जादू। अगर मैं अपने हाथों से मिट्टी को छू लूं ना, तो मिट्टी भी सोना बन जाए। देखो कली की तो बात है, मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से तुम्हें छुआ था और आज आज तुम्हारा रूप और भी निखर गया है ना। मैं जिस किसी को भी एक बार छू लूं ना, उसकी किस्मत ही बदल जाती है।
अच्छा तो तुझे अपने हाथों पर बड़ा घमंड है? तो लगी शर्त, अगर तूने लाइटर 10 बार लगातार जलाया तो तू मेरे हाथ काट देना, और लगातार 10 बार नहीं जला सका तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। अरे ओ कसाई, शर्त खाने भी नहीं किया, काटने कटाने की नहीं। कौन खराबा? नो 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 नो, हम तो प्रेम पुजारी है। क्यों डर गए? सारी बहादुरी खुश हो गई? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं हार गया तो बेशक तुम मेरे हाथ काट देना, लेकिन अगर कहीं मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे खूबसूरत गुलाबी होठों को चूम लूंगा। आई विल किस यू। ओके। Yeah.
भाभी सच सच बताना, भगवान से आप क्या मांग रही हैं, बेटा या बेटी? मेरी मानो तो भाभी, भगवान से आप दोनों चीजें एक साथ ही मांग लो। देखो ना, घर में कितनी कमी महसूस होती है ना? अरे तेरे होते हुए हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होती। आपको नहीं होती है भाभी, लेकिन मुझे तो होती है ना, कि कोई मुझे कहे चाचू चाचू मेरे लिए चॉकलेट लाए क्या? क्या मैं आपसे बात नहीं करता कच्ची? चाचू चाचू देखो ना, तेरी ने मुझे आज कितना मारा। ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनने का मेरा मन करता है। अरे, मन तो तेरा भैया, मन चला हो गया है? अरे अरे छोड़िए ना। जानती हो कल कॉलेज में इसने क्या शर्त लगाई थी, हाथ काटने की? हाँ अरे भैया, हाथ काटने की शर्त तो उन बुजदिलों ने लगाई थी, मैं तो गर्दन काटने की शर्त लगाना चाहता था। शट अप, बहादुरी का इतना ही शौक है तो चला भर्ती हो जा पुलिस में, पहन ले वर्दी, बता एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बनकर इस देश और समाज की सेवा कर, बचा उन मासूमों को जो जुर्म के चक्की में पीसे जा रहे हैं, हाथ काट अत्याचार के, गर्दन काट पाप की, तुझे अवार्ड भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी। अरे भाई साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि इस पुलिस की नौकरी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, नो इंटरेस्ट एट ऑल। क्या रखा है इस नौकरी में? हाँ भैया, क्या रखा है? आप लोग चोरों बदमाशों लफंगों के पीछे दिन रात भागते रहते हैं और हम बेचारे घर वालों के दिल में धक धक लगी रहती है। भैया इतने साल हो गए, आपने भाभी को तो कोई अवार्ड नहीं दिया और आप रिवॉर्ड की बात करते हैं? हाँ तेरी जबान बहुत चलने लगी है बदतमीज। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरे दो तीन दांतों का फाउंडेशन जरूर हिल जाता। मालूम है भाभी, कॉलेज की कितनी सारी लड़कियां मेरी इन मोती जैसे चमकते दांतों पर मरती है। अरे भाग जा कॉलेज, वरना सारी की सारी लड़कियां हॉस्पिटल में तेरी खैरियत पूछने आ जाएंगी। हाँ ये बात भी ठीक है, मगर भाभी जब तक मैं अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके यहाँ से निकल ना जाऊं, आप भैया को स्टैच्यू ऑफ मत बोलना। बाय बाय भैया। ये क्या संगीता, तुम्हारे लाड प्यार ने राम को एकदम बिगाड़ दिया है, कभी उसकी शिकायत करती हो कभी उसकी तरफदारी करती हो। तरफदारी क्यों ना करूं, देवर है मेरा। ए मैडम, वो मेरा भाई है। फोन हेलो इंस्पेक्टर शिविया। जावेद, आज 4 बजे संग्राम सिंह का ट्रक आ रहा है जिसमें लाखों रुपए के ड्रग्स हैं। कहां? गद्दारी करने वाले इंसानों को मेरे कुत्ते भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे कुत्तों की नजरों से गिरे हुए तुम जैसे लोगों को मैं पागल कुत्ते की मौत मारता हूं, और अब तुम्हारे शरीरों से आत्मा को जुदा करने का काम मेरे ये वफादार करेंगे। Yeah!
पता लगाओ सासों का वो कौन सा पुतला है जिसकी सासों ने शिव तक हमारा राज पहुंचाने की जरूरत की। अच्छा चुप है। मेकअप की कमी थी टचअप हो गया। इससे पहले कि तेरा ये लवेरिया मलेरिया बन जाए तू उस लड़की से जाकर अपनी दिल की बात कह दे।
अरे यार यही तो गड़बड़ है, उसे देखते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। अम्मा यार थोड़ा हिम्मत से काम ले और अपने प्यार में कॉन्फिडेंस ला। हाँ कॉन्फिडेंस, तू जाकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दे, मगर एक बात याद रखना, ये प्यार का इजहार बिल्कुल अकेले में होना चाहिए। अकेले में? हाँ हाँ अकेले में, ताकि लोगों को पता न चले कि उसने इसे सैंडल से मारा है। चुप, कमाल के दोस्त हो तुम लोग यार, बेचारा पहले से ही नर्वस है, तुम लोग इसकी मदद करने की बजाय इसकी हंसी उड़ाकर इसे और नर्वस कर रहे हो। नर्वस होने की क्या बात है, हम बताते हैं कि लड़की कैसे पटाते हैं। चलो शिव खड़े हो जाओ। आप हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ये आंखें ऑफ यू मा, ये सूरत ऑफ यू मा, कैसे दिल को रोको कोई दामे ऑफ यू मा। हंसो, तुम लोग भी हंसो। उस रॉकी के बच्चे ने अपनी मोटरसाइकिल से मुझ पर कीचड़ उछाला, पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक उड़ाया, और तुम लोग भी। अरे रे रे रे, नाराज मत होइए, अगर मैंने रॉकी को पूरे कॉलेज में हंसी का फवारा बनाकर नहीं घुमाया तो मेरा नाम राम नहीं, लगी शर्त। लगी शर्त? अगर रॉकी पर पूरा कॉलेज हंसेगा तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। सच? कहाँ है रॉकी? अल्लाह रॉकी, क्या बॉडी है यार, कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा। क्या बात है, आज राम के चमचे मेरी चमचागिरी कर रहे। उस राम का नाम भी हमारे सामने मत लेना। हाँ, जब से उसे मनीषा मिली है ना, हम सबको कचरा समझने लगा है, उसका दिमाग तो सातवें आसमान पे उड़ रहा है। अच्छा? हाँ रॉकी भाई, अब तो तुम ही हो जो उसे आसमान से उठाकर जमीन पर गिरा सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे, तुम तो जानते हो उसे शर्त लगाने की आदत है, वो अपने आप को शर्तों का बादशाह समझता है, तुम उससे एक बार शर्त जीत लो तो उसका गुरूर टूट जाएगा और वो कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और तो और, मनीषा उसे छोड़ के तुम्हारे पास चली आएगी। अच्छा, अरे मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ हो, ये लोग अब मेरे साथ हैं। तुम क्या समझते हो, तुम कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को अपनी उंगली पर नचा सकते हो? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कह भी नहीं सकते, एक बार मुझे शर्त में हराकर अपने आप को किंग मत समझो राम। देखो भाई रॉकी, किंग तो मैं हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। हाँ हाँ, हो जाए हो जाए, लेकिन राम शर्त वही होगी जो हमारे रॉकी से ताल्लुक रखती हो। रॉकी के ताल्लुक से? ठीक है, शर्त तुम्हारे रॉकी के ताल्लुक से ही होगी। भाई रॉकी, तुमने सुना है ना कि शैतान के सर पे तीन छक्के होते हैं, 666666। अरे भाई सुना है कि नहीं? सुना है ना? हाँ। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर पे कहीं ना कहीं तीन छक्के जरूर हैं। इम्पॉसिबल, मेरे बदन में ऐसा कुछ है नहीं। वक्त क्यों जाया करो, कपड़े उतार दो और जीत लो शर्त। हाँ कम ऑन रॉकी, कम ऑन, उतार दो, उतार दे। मनीषा को हासिल करने का इससे अच्छा मौका मिल भी नहीं सकता। मनीषा मिल जाएगी ना? अरे मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएगी ना? मिलेगी, उतार दो कपड़े। तीन छक्के भाई, चलो ढूंढना शुरू करो। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं है। यार दोस्तों गड़बड़ हो गई। यार रॉकी, मैं आज पहली बार हार गया और तुम जीत गए, मुबारक हो। मैं जीत गया? हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया मनीषा, मैं जीत गया मनीषा, मैं जीत गया। ओके, जीत गया, यू आर द ग्रेटेस्ट। मैं जीत गया, 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 मनीषा मैं जीत गया, मनीषा मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे उल्लू, तुम तो शर्त हार गए हो, शर्त तो राम ने जीती है। राम ने मुझसे शर्त लगाई थी कि पूरा कॉलेज तुम पर हंसेगा,
देखो देखो सब तुम पर हंस रहे हैं। कौन? जय महाराष्ट्र साहेब। स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई। आमची माती आमची माणसं, मेरा भारत महान। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। ये क्या जावेद, तुम मेरे घर में भी सुलह में आ गए? क्या करूं साहब, कानून के इस खबरी पर मुजरिमों की बड़ी कड़ी नजर है, इसीलिए आजकल हुलिया बदल बदल कर चलना पड़ता है। कभी कभी तो आईने में देखकर खुद ही चौंक जाता हूं कि मैं हूं कौन। फिर मेरा ये बेटा मुझे याद दिलाता है कि मैं तो उसका डैडी हूं। डैडी? ओ, ओ। तुमने अपने बेटे को भी अपने जैसा बना दिया। बाप, इस नन्हे फरिश्ते के सहारे तो जी रहा हूं, इसके सिवा है कौन मेरा। वाह, वाकई तुम्हारे जीने का बहाना बहुत खूबसूरत है, इसकी और तुम्हारी खुशियों के लिए ये लो। ये क्या साहब? तुम्हारी कमीशन। संग्राम सिंह के बारे में कोई खबर? संग्राम सिंह एक गुंडे कारगा के जरिए सारे शहर में अपने जुर्म का चरखा चलाता है। यही कारगा संग्राम सिंह तक पहुंचने का रास्ता है, मगर कारगा तक पहुंचने का रास्ता कोई नहीं। रास्ता मैं बना लूंगा, तुम कारगा का पता बताओ। डोंगर पाड़ा बस्ती, मगर वो बस्ती नहीं मौत की वादी है साहब, वहां जाना यानी कि जान की बाजी लगाना है। जावेद, देखना कारगा का चरखा मैं कैसे चलाता हूं। पाड़ा में घुसने से पहले अपना अता पता बताना मांगता है क्या? दादा साहब, चिट्ठियों को सही जगह ठिकाने लगाने वाले, पार्सलों को बरोबर पहुंचाने वाले पोस्टमैन है, यानी कि डाकिया। लेकिन कल तक तो यहाँ पे कोई दूसरा पोस्टमैन था। अरे दादा हुजूर, इस विचित्र दुनिया में बदलने में कहाँ टाइम लगता है। बड़े बड़े राजा बदल जाते हैं, छोटे मोटे दादा बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, रातों रात गवर्नमेंट बदल जाती है, तो फिर इस छोटे से डाके के बदलने में आप लोग चिंतित हो रहे हैं, कारण? ज्यादा मच मच नहीं चाहिए। अच्छा, ये पार्सल किसका है? अरे इसको तो दूर रखो, कहीं लग लगा जाए तो अभी बताता हूँ। हाँ, कारगा नाम है, उसी को पार्सल करना है, मेरा मतलब है उसी को देना है। जरा अदब से नाम ले कारगा दादा का, क्या ज्यादा शान पट्टी नहीं मांगता है? एक शाने ने दादा को उल्टे हाथ से सलाम किया था। अच्छा, दादा ने उसका उल्टा हाथ निकाल के ना सीधे हाथ में दे दिया। बहुत डेंजर। और वो सामने वाली खोली है ना, हाँ। उसमें है आप उनका दादा, एक शाणे की शान पत्ती निकाल रहे है क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर। कर का माफ नहीं करता, गलती करने वालों की जिंदगी साफ करता है। नमस्कार साहेब बहादुर। कौन है बे तू? हम हैं शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति, नवे पोस्टमैन। तो हर पार्सल लाइए, ये देखो। मैं लोगों की हड्डियां तोड़कर उनको अस्पताल में पार्सल करता हूँ, और तू मेरा पार्सल लाया है? क्या करी साहेब बहादुर, मजबूरी है। सरकारी मोहर के साथ साथ ई पर नाम और पता तो हार लिखा है। देखो तो, ऐसा कौन सा पार्सल है जो मेरे नाम आया है? हथकड़ी? हाँ हथकड़ी, सही हाथों में पहुंच गई।
सभी कागज पर तुम हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? वारंट? हाँ, अरेस्ट वारंट। आराम से बैठो। इंस्पेक्टर शिव कुमार, सीआईडी ब्रांच। तुम? हाँ मैं। तुम कानून के वो गैर कानूनी पार्सल हो जिसे हवालात की चार दीवारी में जमा करना है। गैर कानूनी अड्डों को कानून की लाठी से तोड़ डाला और फिर कारगा के हाथों में हथकड़ी डाल दी। लेकिन बॉस, अगर कारगा टूट गया तो? अगर कारगा टूट गया तो भगवान शंकर के नीलकंठ के जहर की तरह उस शिव नाम के इंस्पेक्टर का जहर हमारे बिजनेस के समंदर में फैल जाएगा। इससे पहले कि शिव का तांडव शुरू हो, नेवता भेजो उस इंस्पेक्टर को कि संग्राम सिंह ने उसे दावत से बुलाया है, जो उसकी हमसे पहली मुलाकात और जिंदगी की आखिरी दावत होगी। इंस्पेक्टर शिव कुमार, यहां तक पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो नहीं, लेकिन हैरानी जरूर हुई। इतने सारे कुत्ते देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं संग्राम सिंह की दावत के बदले किसी कुत्ते घर में तो नहीं पहुंच गया। नहीं इंस्पेक्टर, तुम सही जगह पर पहुंचे।
ये कुत्ते मेरे वफादार हैं और जो भी यहाँ आता है वो भी वफादार बन जाता है इन कुत्तों की तरह। बॉस मुबारक हो, ये टाइगर कुत्तों की रेस जीत गया है और ये गोल्ड मेडल इस जीत की मोहर है। जीत गया गोल्ड मेडल जीत गया अच्छा है। इंस्पेक्टर खाना तैयार है आप। इंस्पेक्टर शिव कुमार तुमने यह सवाल नहीं किया कि मैंने उस जीते हुए कुत्ते को गोली क्यों मार दी। वो कुत्ता रेस में जीत कर आया था। जीत, ये जो शब्द है ना जीत, मैं किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो जानवर हो या इंसान। मैं सिर्फ मैं जीतना चाहता हूं। जीत तो हमेशा उसकी होती है जो अच्छा खिलाड़ी हो। गलत चाल चलने वाला तो हमेशा हार जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर मैंने हारना सीखा ही नहीं, और जो भी मुझसे जीतने की कोशिश करता है ना मैं उसका खेल ही खत्म कर देता हूं। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? सांगा किसी को धमकी नहीं देता, सीधे मौत देता है। एक अच्छा खिलाड़ी कभी गलत चाल नहीं चलता संग्राम सिंह। मैं यहां आने से पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स में नोट करवा के आया था कि मैं कहां और किससे मिलने जा रहा हूं, और इस बात की खबर पुलिस कमिश्नर को भी है। अगर आने वाले 15 मिनटों के अंदर मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंचा तो सारे मुंबई की पुलिस यहां पहुंच जाएगी। तुम एक अच्छे इंसान हो तो नहीं, ना ही तुम अच्छे मेजबान हो। अगर यही खाना मैं किसी 5-स्टार होटल में खाता ना तो उसका बिल 150-200 रुपए होता, तो ये रहे तुम्हारे 200 रुपए। और हाँ, 5-स्टार होटलों में एक और रिवाज होता है टिप देने का, तो ये रही तुम्हारी टिप। एक बात और, हम भी तुम्हें शानदार दावत देने वाले हैं जेल में, जब तुम्हारा कुत्ता भौंकेगा। 4 पांव वाला नहीं, 2 पांव वाला कांगा। डॉक्टर, पर कितनी बार कहा है कि मैं संग्राम सिंह के लिए काम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। सामने पढ़ क्या लिखा है। अबे पढ़। सत्यम शिवम सुंदरम। जानता है इसका मतलब? यहाँ आने वाला हर मुजरिम सिर्फ सत्य बोलता है, और अगर वो सत्य नहीं बोलता तो इंस्पेक्टर शिव उसका सुंदर चेहरा बदसूरत बना देता है, और अगर वो बदसूरत हो तो भयानक बना देता है। जिस दिन कारगा जेल से बाहर निकला समझ लेना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हरामजादों।
चिल्लाने से गला खराब हो जाता है बेटे, क्यों चिल्लाने का? बाबूराव भेजा, तुम्हारा नाम करघा, योर नेम इज करघा, घूमने घुमाने वाला करघा। लेकिन लगता है पुलिस वालों ने डंडा घुमा घुमा के तुम्हें अंडे की तरह गरम कर दिया यार। वो साला इंस्पेक्टर है ना शिव कुमार, इंस्पेक्टर शिव कुमार, रास्कल रास्कल, उस साले ने तो बाबूराव भेजा का भेजा ही फेल कर दिया। तो तुम वो मशहूर बाबूराव भेजा हो? यस यस, बाबूराव भेजा। मगर दुनिया को जेल से भगाने वाला बाबूराव खुद जेल में? अरे बाबूराव के भेजे में यही तो एक मिस्टेक है यार, जैसे ठंड में पानी जम जाता है, कीचड़ में शेर फंस जाता है, वैसे ही जेल में आकर बाबूराव का भेजा रुक जाता है, फुल स्टॉप। कमाल का भेजा है तुम्हारा। एक बार, ओनली वन टाइम मुझे इन जेल की दीवारों से बाहर निकलने दो, फिर देखना बाबूराव भेजे का कमाल। साले इन पुलिस वालों को तो सीएटी कैट और आरएटी रैट जैसा भगा भगा कर इनका केएचएटी खाट नहीं खड़ा किया ना, तो मेरा नाम भी बाबूराव भेजा नहीं, तू देखना एक दिन। मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। तू? हाँ मैं। वो कैसे? संग्राम सिंह का नाम तो सुना होगा तुमने। संग्राम सिंह, ओ अंडरवर्ल्ड का किंग। हाँ, अगर तुम संग्राम सिंह से हाथ मिला लो तो मैं समझ गया अंडरवर्ल्ड, तेरी बात मेरे भेजे में फिट हो गई। संग्राम सिंह की दौलत, तेरी ताकत और मेरा भेजा, ये तीनों अगर एक हो गए तो ये 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 जेल क्या, पूरी गवर्नमेंट का भेजा हम उड़ा सकते हैं। गुड गुड गुड, मेरे भेजे के साथ साथ तेरे भेजे का भी जवाब नहीं है, नो आंसर। तो फिर डन डन, अरे डन 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 डन। भाभी, राम कौन है ये? भाभी वो मैंने आपको एक बार बताया था ना कि ये मनीषा मनीषा है। मनीषा? अच्छा अच्छा, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है रे। थैंक यू भाभी। भाभी वो भैया का जरा ख्याल रख लेना, क्योंकि बहुत टेंशन हो सकती है अगर भैया आ गए तो। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? अजी ये अपने राम की होने वाली। होने वाली क्या? होने वाली बहू। कैसी बहू? कौन सी बहू? आप भी कमाल करते हैं, घर में आए हुए मेहमान से आप इस तरह। स्टैच्यू। हाँ तो लड़की, कौन हो तुम? जी जी, मैं वो राम की। क्या सीता? जी नहीं, मनीषा। हम दोनों कॉलेज में एक साथ, हमारा चल रहा है। कैसा कॉलेज, क्या चल रहा है? कितनी बार कहा था अच्छी तरह से याद कर ले, भूल गई ना बेवकूफ। क्या बोला? कुछ नहीं भाई साहब, वो बात ये है कि हम दोनों एक साथ एक। खामोश। तुम इस लड़की को इसलिए इस घर में लेकर आए हो कि हम इसे इस घर की बहू बना लें? जी जी हाँ। तुम क्या समझते हो, तुम किसी भी लड़की को उठा कर ले आओगे और हम उसे बहू बना लेंगे? अरे नहीं 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 भाई साहब, आप गलत समझ रहे, ये तो स्टैच्यू। हाँ तो लड़की, तुमने हमारे भोले भाले भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसे फंसा लिया कि आज वो अपने भाई और भाभी को अपनी मर्जी के फैसले सुनाने लगा। हा? मैं आवाज, मेरा मतलब है मैं घर की। तुम क्या समझती हो, तुम इस स्वर से प्यारे घर की बहू बन जाओगी? अगर तुम ऐसा समझती हो तो बिल्कुल ठीक समझती हो। जेल से कारगा का मैसेज आया है कि बाबूराव भेजा
हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कारगा और बाबूराव भेजा को जल्द से जल्द छुड़ाना होगा, वरना इंस्पेक्टर शिव का टॉर्चर पत्थर को भी चीखने पे मजबूर कर देता है। मिनिस्टर साहब, मैं संग्राम सिंह बोल रहा। क्या कहा? बाबूराव भेजा और कारगा को छोड़ दिया गया? किसके हुक्म से छोड़ दिया गया? कमिश्नर साहब का ऑर्डर था सर। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर शिव, ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। सर, जिस इलाके में दाखिल होते हुए कानून काम जाता था, मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें वहां से गिरफ्तार किया था। अगर मुझे दो चार दिन और मिल जाते तो मैं बाबूराव भेजा और कारगा की जबान को उनके एक वाले जुर्म का बयान बना देता। आपने ऊपर से आने वाले दबाव में आकर कानून का गला दबाया। हाँ शिव, हाँ, भगवान के हाथ में जिस तरह हम खाक के पुतलों की डोरिया होती है, उसी तरह खाकी वर्दी की डोरिया भी किसी ना किसी के हाथ होती है। शायद उन्हीं के इशारों पे कानून चलता है, तुम और हम चलते हैं। कठपुतलियां बनाकर नचाने वाले उन हाथों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन गलत काम करने वाले हाथों को मेरी हथकड़ियां खूब पहचानती हैं। उन गुनहगारों की सजाओं से ऐसी पहचान कराऊंगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जेल की सलाखों से बचा नहीं सकेगी। संग्राम सिंह बहुत कम लोगों से हाथ मिलाता है बाबूराव भेजा। बाबूराव भेजा बहुत कम लोगों से दोस्ती रखता है संग्राम सिंह। बॉस, मिस्टर जॉनसन हैज अराइव्ड फ्रॉम लंदन। टेल हिम आई विल मीट हिम टुमारो एट द होटल। ओके बॉस। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी डिक्शनरी है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, अगर मुझे ये डिक्शनरी मिल जाए ना तो आज से तुम्हारी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। और तुम अपने भेजे का इस्तेमाल हमारे लिए करोगे। जरूर जरूर। डिक्शनरी। यह है तुम्हारी डिक्शनरी जो तुम्हारी अंग्रेजी को गाइड करेगी और बॉडी को भी गार्ड करेगी। मतलब टू इन वन। थैंक यू वेरी मच। संग्राम सिंह, मैं तो तुम्हारे एहसानों के नीचे दबता जा रहा हूँ। प्रेसिंग डाउन। अब मुझे इसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। बोलो, बाबूराव भेजा से दोस्ती का तुम्हें क्या प्रेजेंट चाहिए? बोलो जल्दी। इंस्पेक्टर शिव। हेलो, इंस्पेक्टर शिव है? जावेद। हाँ बोल जावेद। संग्राम सिंह के बारे में एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। तुम मुझे इसी वक्त बैंड स्टैंड के किले पर आकर मिलो। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। शाबाश शंकुरा उर्फ जावेद उर्फ और। तुमने हमारा काम कर दिया, अब हम तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं। दी एंड। अरे देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम लोग जो सजा देना चाहो मैं तैयार हूं। कारगा। अली। कारगा, ले जाओ इन दोनों को और हमारे शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दो। और अब हम उस कुत्ते शिव का शिकार करने जाएंगे। Thank you.
विजय लेना। भगवान। हेलो बैंडर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर शिव। क्या कहा, चले गए? देखिए उनकी जान बहुत खतरे में है, किसी भी तरह उनको बैंडस्टैंड किले तक पहुंचे से रोकिए, उनकी जान। ऑपरेशन हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यू विल बी ऑलराइट। धीरे से काम लो। अभी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। आप एक मिनट मेरे साथ आइए। Thank you.
घबराइए नहीं, प्लास्टिक सर्जरी से निशान भी मिट जाएगा। साहब, तुम? हाँ साहब, मुझे इस हालत तक पहुंचाने के लिए शायद तुम्हें पुलिस की कमीशन से ज्यादा कीमत मिली होगी। मुझ पे भरोसा कीजिए सर, उन लोगों ने मेरे बच्चे की गर्दन पे खंजर रखकर आपको फोन करने के लिए मजबूर कर दिया था सर, और उन लोगों ने मेरे बच्चे को भी मार डाला। क्या सर, मैंने कभी कमीशन के लिए खबरी का काम नहीं किया। अगर पैसा ही कमाना होता तो स्टेज की दुनिया छोड़कर पुलिस का खबरी नहीं बनता। आज मैं आपको बताता हूं सर कि ये खबरी जावेद कभी एक नामी सिंगर डांसर हुआ करता था। मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर स्टेज प्रोग्राम्स किया करते थे। फिक्र मत करो जावेद, हम दोनों मिलकर संग्राम सिंह की काली हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हुक्म दीजिए सर, मैं अपना अधूरा काम पूरा कर सकूं। हैव अ सीट। थैंक यू। वैसे सर, हॉस्पिटल की खाट पर बहुत आराम कर चुका, अब तो शिव कानून की इतनी खिदमत कोई भी ऑफिसर बरसों में नहीं कर पाता, जो तुमने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। अभी तो बहुत कुछ करना है सर, जब तक कारगा बाबूराव भेजा और संग्राम सिंह जैसे इस धरती पर रेंगते रहेंगे, मेरी ड्यूटी कहां खत्म होती है सर। शिव, मैं तुम्हारे जोश और जज्बात की कदर करता हूं, कानून भी तुम्हारी खिदमत का शुक्रगुजार है, और पुलिस डिपार्टमेंट तुम पर इतना खुश है कि तुम्हारे रहने के लिए हिल स्टेशन पर बंगला, कार और तुम्हारी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने का वादा करता है। ये आप क्या कह रहे हैं?
हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या इस्तीफानामा? आप मेरा इस्तीफानामा क्यों चाहते भाई? इसका जवाब मैं नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट तुम्हें देगी। गुंडों के साथ एनकाउंटर में चली हुई गोलियों में से एक गोली तुम्हारे स्कल को तोड़ती हुई तुम्हारे ब्रेन के पास जाकर ठहर गई है। ऑपरेशन के दरमियान अगर डॉक्टर उस गोली को छेड़ते तो ऑपरेशन टेबल पर ही तुम्हारी मौत हो जाती और इसीलिए ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया गया। आज भी वो गोली तुम्हारे दिमाग में एक टाइम बम की तरह मौजूद है जो किसी भी वक्त फट सकती है। एक दो महीने, ज्यादा से ज्यादा एक साल, ऐसी हालत में कानून की खिदमत करना कानून के खिलाफ है और इसीलिए मैं तुम्हारा इस्तीफानामा चाहता हूं। आ गए आप, मैं आप ही को याद कर रही थी। देखिए ना मेरा सिंदूर खत्म हो रहा है, सिर्फ चुटकी भर रह गए हैं। और मैं जानती हूँ कि पति परमेश्वर इस बार फिर सिंदूर लाना भूल गए होंगे। देखो संगीता, ये सिंदूर माथे की बिंदिया बस एक फैशन बनकर रह गया है, इसे लगाने न लगाने से क्या फर्क पड़ता है? औरों को फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे पड़ता है, और मेरे लिए फैशन नहीं है। मैं जब डोली में बैठकर इस घर में आई थी तब से मेरी मांग सिंदूर से भरी हुई है और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जब मेरी अर्थी इस घर से उठे तब भी मेरी मांग सिंदूर से भरी रहे। मैं मंदिर जाकर आती हूँ, आज राम का रिजल्ट आने वाला है ना। मेरा रिजल्ट तो आ चुका संगीता। मैं कमिन सर। कमिन। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पता चला कि भैया आपसे मिलने यहाँ आए, इसलिए आपने पास होने की खुशखबरी उन्हें सुनाने यहाँ चलाया। ओह कंग्रेट्स। थैंक यू सर। हैव अ सीट। राम, तुम जैसे जोशीले नौजवानों की पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। तुम भी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? सर भैया भी हमेशा यही कहते रहते हैं और अब आप भी। सर हमारे घर में एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो 10 के बराबर है, और सर जहां शिव हो वहां राम की क्या जरूरत? जरूरत है राम, शिव अब पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के काबिल नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूं। ये शिव की मेडिकल रिपोर्ट है, इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। भैया।
अरे राम, तू आ गया? क्या हुआ? आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ भैया, आज रिजल्ट का ही दिन था। क्या बात है, तू इतना इतना उदास क्यों है? कहीं तू दिखा दो। अरे तू तो पास हुआ है, फर्स्ट आया है। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे ओ संगीता, संगीता सुनो तो, अरे मिठाई बांटो मिठाई, हमारा राम फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। राम आज मैं बहुत खुश हूं, तू देखना इस खुशी के मौके पर मैं ऐसी शानदार पार्टी दूंगा जिसमें शहर के सारे एसीपीज, डीसीपीज, कमिश्नर्स। भैया मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आ रहा हूं। हाँ भैया, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है। ये क्या राम, तू रो रहा है? नहीं राम नहीं, रो मत। देख जो होना था सो हो गया। शायद शायद भगवान की यही मर्जी थी, लेकिन तुझे तुझे मुझे वादा करना होगा कि तू अपनी भाभी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा राम। हाँ भैया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं भाभी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जिन दरिंदों ने आपकी यह हालत की है, मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि आसमान भी कांप उठेगा। भैया अब मैं वर्दी पहनूंगा, पुलिस ऑफिसर बनकर आपके अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, आपके दर्द के एक एक कर्ज को चुकाऊंगा। भैया मैं पाप की गर्दन और अत्याचार के हाथ काटूंगा। अरे क्या बात है, तुम दोनों की आंखों में आंसू? संगीता, जब बरसों की मेहनत का फल मिल जाए और ख्वाब हकीकत में बदल जाए तो आंखें भरी आती है ना। तुम्हारा ये नालायक देवर पास हो गया है, और जानती हो अब ये पुलिस में भर्ती हो रहा है। मुझे भी एक लंबी छुट्टी मिल गई है, फिर न जाने इमरजेंसी में कब बुलावा आ जाए। ओ तो तुम दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू है। चाचू वाह संगा साहब, वाह 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 वाह, क्या निशाना है आपका। आपने ऐसा निशाना लगाया कि इंस्पेक्टर शिव का भेजा ही फेल हो गया। खोपड़ी को चीरती हुई बुलेट सीधा उसके भेजे में जाके फंस गई, जिंदा लाश बन गया वो, लिविंग डेड मैन। वो तो तुम्हारे भेजे का कमाल है बाबूराव भेजा। शेर जैसा इंस्पेक्टर घर में बिल्ली बन के बैठा है। सुना है जब शेर घायल हो जाता है तो और भी खतरनाक बन जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि इंस्पेक्टर शिव ने अपने वर्दी को उतार कर अपने भाई राम को पहना दिए और उसे पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। वाह क्या चाल चली है इंस्पेक्टर शिव ने। ये मैं क्या देख रहा हूं शिव, बंदूक की गोलियों से खेलने वाला आज कैरम की गोटियों से खेल रहा है। क्या करेगा बेचारा, बाबूराव भेजे ने ऐसा काम किया है कि गोली इसके सर में घुस गई। शिव तुझमें और इस कैरम बोर्ड की बेजान गोटियों में ज्यादा फर्क नहीं है। गोटियां स्ट्राइक करके ढकेलने पर कैरम बोर्ड में फिसल रही है, और तू वक्त के ढकेलने पर जिंदगी के मैदान में फिसल रहा है, और हम मौत के इस खेल का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी मौत का इंतजार करने वालों, अपनी जिंदगी को बचाने का इंतजाम करो, क्योंकि शिव का भाई राम
बहुत जल्द कानून बनकर शहर में आ रहा है, जो मेरे दिमाग पर चली गोली का इतिहास भी जानता है और इंतकाम लेने का अंदाज भी। शिव, सांघा साहब की गोली तुम्हारे भेजे से सिर्फ 2 मिलीमीटर ओनली 2 मिलीमीटर पर रुक गई है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भाई पर चलाई हुई गोली भी 2 मिलीमीटर पहले रुक जाए। तू तो बैठा यहाँ कैरम खेल रहा है, राम को तो राम का नाम लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या सोच रहे हो शिव? कौन हो तुम? मैं उस बहादुर इंस्पेक्टर शिव का जमीर हूं जिसे तुम बुजदिली के चोले में छुपाकर रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हो। कानून की वर्दी उतरने से क्या तुम बुजदिल हो गए हो? अरे शिव, तुम खुद अपना कानून हो। भगवान ने मौत से छीनकर तुम्हें थोड़ा सा वक्त दिया है, उसे इस तरह बर्बाद मत करो। अरे मरना ही है तो अपने दुश्मनों को मारकर मरो जिन्होंने तुम्हारा यह हाल किया है। तड़पा तड़पा कर मारो उन्हें, मौत बनकर छा जाओ उनकी जिंदगियों पर, तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और जीने का मकसद भी। चलो शिव, इंतकाम ले, इंतकाम ले शिव, इंतकाम ले शिव, इंतकाम ले शिव।
कुत्ते टॉमी की सोने की चेन मिल जाएगी। टॉमी, टॉमी, अरे मत गो, ये टॉमी का गोश्त है। अरे बकरे का नाम टॉमी हो तो क्या हुआ, गोश्त तो मजेदार है, क्यों भाई? बकरे का नाम टॉमी नहीं है।
हाँ बाबूराव, नाश्ता शुरू करो ना। तांगा साहब, अब डोंट फील बैड, लेकिन तुम्हारे यहाँ खाना खाने में बहुत डर लगता है। घबराओ नहीं बाबूराव, आज सब ठीक है। आप कहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। नो टॉक, नो टॉक एट ऑल। हेलो, बोलो। मैं शिव बोल रहा हूँ। शिव? शिव? ओह, अच्छा हुआ खाया नहीं, पहले साला इसमें कुत्ते का गोश्त था, अब साला कहीं बिल्ली का तो नहीं। मुझे फोन करने का मतलब? संग्राम सिंह, आज जो होगा उसकी सुर्खियां अखबारों में कल छपेंगी, लेकिन उसकी आवाज में तुम्हें आज और इसी वक्त सुनाना चाहता हूं। ये लो सुनो। ये धमाके तुम्हारे गैर कानूनी गोदामों की तबाही की हल्की सी गूंज है। तुम लोगों ने मेरे गोदामों को, शिव, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे तूने तो मेरी दौलत के छोटे से हिस्से को जलाया है, लेकिन याद रखना, मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। संग्राम सिंह कभी किसी को माफ नहीं करता। संग्राम सिंह, समझ लो आज से शिव और संग्राम सिंह के बीच संग्राम शुरू हो चुका है। बेशक। कौन? इंस्पेक्टर राम रिपोर्टिंग सर। राम? हाँ भैया। राम तू आ गया? हाँ भैया, ऐसा लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई, मेरा मकसद पूरा हो गया। आप ही का तो मकसद पूरा करने के लिए मैंने ये वर्दी पहनी है भैया। अब बहुत ही जल्द मेरी इस इलाके में पोस्टिंग होने वाली है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेस्ट ऑफ लक। सलाम साहब। क्या नाम है तुम्हारा? गणेश तिवारी। मेरे साथ आओ। जी बैठिए बैठिए बैठिए। इस इलाके के जितने भी नामचीन गुंडे हैं उनसे तो आपका अच्छा खासा परिचय होगा। हाँ साहब, इंसाफ और गुनाह के रूप को देखते देखते अब आंखें बूढ़ी हो गई है। पहले इंसाफ और कानून से गुनेगार घबराते थे, अब गुनेगारों से इंसाफ और कानून घबराता है। तिवारी, तुम मुझे सिर्फ उन लोगों की फाइलें बताओ जो कानून को एक खेल समझकर खेलते हैं। गुनाहों के तालाब में मछलियां तो बहुत है साहब, मैं आपको उस मगरमच्छ की फाइल देता हूं जिसके राज में ये लोग जीते हैं। आज तक इस फाइल को किसी भी अफसर ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, और जिसने भी लगाया उसके हाथ टूट गए या बिक गए, इसलिए फाइल पर इतनी धूल जमी हुई है। एक बात हमेशा याद रखना तिवारी, जब तक मैं इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूं इस या और किसी फाइल पर धूल कभी जमनी नहीं चाहिए। सांगा साहब, शहर के हर रास्ते पर इंस्पेक्टर राम ने नाकाबंदी लगा रखी है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। यह इंस्पेक्टर राम नाम की चिंगारी इंस्पेक्टर शिव की राख में से निकली है, अगर इसे कामयाबी के हवा लग गए तो यह चिंगारी शोला बन जाएगी। छोड़ो यार, खामखा ट्यूशन लेते हो सर। ट्यूशन नहीं, टेंशन। टेंशन? हाँ वही टेंशन। टेंशन टेंशन लेने से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके या ओके। बाबूराव के भेजे में हजारों आइडिया है, हजारों। अब देखो राम के चक्रव्यूह से हम कैसे माल निकालते हैं। Thank you.
लेनी है। चलिए 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 चलो उठो। हेलो साइड में खड़े हो जाओ। हेलो साहब, ये सब क्या है? पिछले 15 सालों से हमारी बसें रोड पे चल रही है, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने आज तक हमारी बस को रोका नहीं। इसीलिए तो रोका है। सर इधर कुछ भी नहीं है। साहब इधर भी कुछ नहीं है। ठीक है, जाने दो इन सबको। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दिलेरी और जांबाजी के साथ इस वर्दी का फर्ज निभा रहे हो। सर, मैंने तो सिर्फ अपने भाई के अधूरे सपनों को पूरा किया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुझे खुशी है कि तुम अपने हर एक्शन में संग्राम सिंह के करीब होते जा रहे हो, जो यकीनन कानून का दुश्मन है। और मुझे शक है कि तुम्हारे भाई के सर पर चली हुई गोली उसी के पिस्तौल से निकली हुई है। भैया, अरे राम, कहाँ गया था तू? तुझे मालूम था ना, मनीषा के माँ बाप मिलने आने वाले थे। मैंने तेरी शादी की बात पक्की कर दी है, अगले महीने की 9 तारीख तय हुई है। खुश है ना तू? भैया, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आ रहा हूं। आज मुझे मालूम हुआ कि आपके सर में लगी हुई गोली का ताल्लुक संग्राम सिंह से है। मैं संग्राम सिंह को कभी नहीं छोड़ूंगा भैया। नहीं राम, नहीं, तू संग्राम सिंह को नहीं जानता, वो किसी रावण से कम नहीं है। और रावण का सर्वनाश राम ने किया था। राम, जिद मत कर। देख, मेरी तरफ देख, एक तू ही है जो मेरी असली हालत को जानता है। मैं तो एक जिंदा लाश हूं। वो गोली, वो बुलेट जो मेरे सर में मौजूद है, एक टाइम बम की तरह किसी वक्त भी फट सकती है। मैं बारूद के ढेर पर बैठा हूं, मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं शायद दुनिया का पहला इंसान हूं जो रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को मरता हुआ देख रहा हूं। यह हकीकत है जो सिर्फ तू जानता है, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। तुझे संभालना इस घर को, उस भाभी को जो तुझे बच्चे की तरह प्यार करती है, उसकी देखभाल करनी है तुझे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू कोई ऐसा कदम उठाए जिससे तेरी जान को खतरा हो। जीवन और मृत्यु की डोर तो भगवान के हाथ में है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरे माथे पर सुहाग की रेखा है। तेरे पति पर छाया हुआ घोर संकट टल सकता है, परंतु बेटी बिना अनजल ग्रहण किए तुझे 11 दिन का व्रत रखना होगा।
काम करो, अब गोलियां चलाने की प्रैक्टिस छोड़कर गोलियों से बचने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अच्छा? हाँ, क्योंकि तुम्हारे निशाने पर तो तरबूज है, मगर तुम कानून के निशाने पर हो। हमारे इलाके में कदम रख के तुम्हारी ये जुर्रत? अरे नहीं, जुर्रत कैसी, मैं तो तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के अंदर की खबर देने आया हूं। एक इंस्पेक्टर है जो परछाई की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसने तुम्हारे सभी गोडाउन्स, फैक्ट्रीज, खुफिया अड्डों पर कानूनी छापे मारे हैं। कौन है वो बदनसीब? उसका नाम राम है, इंस्पेक्टर राम। और राम नाम के साथ भगवान होता है, और भगवान जिसके साथ होता है तो सामने वाले का राम नाम सत्य हो जाता है। नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा नहीं होता, इसलिए शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमारा नाम भी संग्राम है। और जानते हो संग्राम का मतलब क्या होता है? संग्राम का मतलब होता है जंग, युद्ध। और जो इंसान खुद एक युद्ध का मैदान हो, उससे एक मामूली सिपाही क्या लड़ेगा। मैं तो तुम्हारे आने वाले बुरे वक्त के बारे में खबरदार करने यहां चला आया था, मगर तुम बुरा मान गए। खैर संग्राम, अंदर की खबर यह है कि मुजरिम संग्राम की इंस्पेक्टर राम के हाथों गिरफ्तारी में सिर्फ एक छोटे से सबूत का फासला है। संग्राम के खिलाफ सबूत पैदा करना रेगिस्तान में ठंडे पानी के कुएं को पैदा करने से भी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पक्का सबूत उंगलियों के निशान होते हैं संग्राम सिंह। आज के बाद हर काम दस्ताने पहनकर करना। अरे संगीता, अरे संगीता, राम डॉक्टर को बुलाओ। लगता है आप इनकी देखभाल बराबर नहीं करते, ऐसी हालत में तो औरतों को खूब खिलाया पिलाया जाता है। ये इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि इसका असर तो बच्चे पर पड़ सकता है। बच्चा? इसका मतलब तुम? मतलब मैं चाचू बनने वाला हूं। भाभी, आपने इतनी अच्छी खबर हमसे क्यों छुपाई, बोलो। संगीता, संगीता तुमने ये खाना पीना क्यों छोड़ रखा है, बोलो। संगीता तुम बोलती क्यों नहीं? ये सब बातें बाद में पूछ लेना, पहले मैं इंजेक्शन तो लगा दूं। मैं ये इंजेक्शन नहीं ले सकती। क्यों? मेरा व्रत टूट जाएगा। व्रत? कैसा व्रत? अपने सुहाग की रक्षा का व्रत। मैं आपके बारे में सब कुछ जान गई हूं। इसलिए मैंने 11 दिन का व्रत रखा है। आज व्रत का 10वां दिन है। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। देखो संगीता, तुम्हें बच्चे की कितनी लालसा थी, और आज जब भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम अपनी इच्छा का गला क्यों घोट रही हो? ऐसा मत कहो, एक छोटी सी इच्छा के लिए मैं अपने सुहाग का बलिदान नहीं दे सकती। मुझे मेरा व्रत पूरा करने दो, फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकेगी। संगीता, संगीता, संगीता,
नहीं संगीता, नहीं संगीता, नहीं संगीता। संग्राम सिंह हेयर। संग्राम सिंह हेयर नहीं, संग्राम सिंह नोवेयर। कौन? शिव? हाँ शिव, जो आज से तुम्हें हर रात मौत का तांडव दिखाएगा। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी बीवी की जान ली है, उसी तरह से तुम तीनों को तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। पहले कारगा, फिर बाबूराव भेजा, और उसके बाद संग्राम सिंह तुम। भैया, जब आपको बताया कि भाभी के कातिल संग्राम सिंह, बाबूराव और कारगा है, तो आपने इनके खिलाफ अपना बयान क्यों नहीं दिया? अब मेरा मकसद बयान देना नहीं, इंतकाम लेना है। इंतकाम? ये जुर्म है भैया। आप जैसा कानून का पालन करने वाला ऑफिसर आज गैर कानूनी रास्तों पर भटकने की बात कर रहा है, अपने आदर्शों अपने असूलों से मुंह मोड़ रहा है। जिस दिन तेरी भाभी ने इस दुनिया से मुंह मोड़ा था, यह आदर्शवादी भी किसी और दिशा में मुड़ गया। यहां से सिर्फ मुझे उन कमीनों की चिता नजर आती है, और आज आज रात कारगा की चिता चलेगी। शिव कुमार और बंगले पर कड़ी नजर रखो, बाहर का कोई भी आदमी उनसे मिलने ना पाए, और शिव कुमार खुद भी बंगले से कहीं जाने ना पाए। कम ऑन मूव। कन में लगी रस्सी के खींचने से होगी। अगर तू जरा भी हिला तो तेरी मौत का जिम्मेदार तू खुद, या वो जो तुझे बचाने की कोशिश में वो दरवाजा खोलेगा। मेरी मौत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरी मौत आज जरूर होगी।
यस इंस्पेक्टर। गुड डे सर। क्या बात है सर? ऑर्डर है कि आप पर कड़ी निगरानी रखी जाए। हमारी रिक्वेस्ट है सर, पुलिस की इजाजत के बगैर आप घर से बाहर ना निकले, और आपसे मिलने आने जाने वालों को किसी को भी मिलने की इजाजत मत देना। मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। थैंक यू सर। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने बंगले के चारों ओर पहरा लगा दिया है। सीओ साहब घर पर ही हैं, आराम कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। Are you sure? Yes, sir. ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हेलो शिव कुमार। यह भैया कारगा का कत्ल हो गया है। चलो अच्छा हुआ, एक शैतान इस दुनिया से उठ गया। कातिल पकड़ा गया? नहीं, कातिल बहुत चालाक है, मगर कानून के हाथों से कब तक बचेगा? बेस्ट ऑफ लक। बाबूराव, संगीत जश्न पर बजाया जाता है, मातम पर नहीं। जब बाबूराव भेजे का भेजा उलझ जाता है तो संगीत ही उसे सुलझाता है। म्यूजिक 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 से आइडिया। मैं इस संगीत में शिव की मौत की सरगम ढूंढ रहा हूं। बाबूराव, हर समय का अपना अपना राग होता है, अपनी अपनी रागनी होती है। इससे पहले कि शिव दीपक राग बजाकर हमारी जिंदगी को राख बना डाले, तुम्हें इन सात सुरों के सरगम में शिव की मौत का राग मिल जाना चाहिए। मिल गया, मिल गया। शिव की मौत का राग बाबूराव के भेजे में फिट हो गया। राम, करगा के जिस्म पर मौत की चादर तानकर शिव निकल गया, और हम कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं सर, बाबूराव भेजा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि कल मेरी शादी है और भैया ने शादी का हॉल बाबूराव के घर के सामने ही बुक किया है। कोई बात नहीं, पुलिस बाबूराव भेजा को पूरी तरह हिफाजत में रखेगी। मगर सर, बाबूराव ने पुलिस की मदद लेने से इनकार कर दिया है। उसे पूरा शक है कि मैं भी शिव भैया के साथ मिला हुआ हूं। तुम फिक्र मत करो, शिव पर पूरी पूरी नजर रहेगी, और तुम्हारी शादी में मैं पर्सनली मौजूद रहूंगा। हेलो
सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। सर आप आइए, मैं आपके लिए कुछ भेजता हूँ। नहीं आप आइए ना सर। ओके। सारा इंतजाम हो चुका है, रस्सी से टेरेस तक, वहां से केबल बाबूराव भेजा के घर तक, बाहर जाने से अंदर आने तक एवरीथिंग फिट। बाबूराव भेजे का कमाल। वहां मेरे बॉडीगार्ड है तो यहां मेरा पलंग सुपर बॉडीगार्ड है, जिसमें अनगिनत नजर नहीं आने वाले बिजली के तार है। शिव इस पलंग के दायरे में आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा।
भेजा बहुत जलता ना बाबूराव भेजा। नहीं नहीं मेरा भेजा फेल हो गया, तू पास हो गया, मुझे छोड़ दे मेरे बाप। आज के बाद बाबूराव भेजा अपना भेजा कभी नहीं चलाएगा। तुझे इसका मौका ही नहीं दूंगा। बर्फ का ये छुरा तेरे गर्म जिस्म में घुसकर तुझे हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। What? बर्फ के चाकू से? यस सर। बाबूराव भेजा को मार डाला? शिव कहां है? शिव कहां है? क्विक। यस सर। शिव कहां है? बाथरूम में। कांग्रेट्स, बाबूराव भेजा का मर्डर हो गया। भैया कहां है? क्या बात है राम, आज तुझे मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं? सर आज मैं बहुत खुश हूं। शेम शेम शेम। सर हमने एक पल के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटाई। वो हमारे सामने ही बाथरूम में गया और हमारे सामने ही बाथरूम से बाहर आया। नो मिस्टर गायकवाड़, मिस्टर गायकवाड़। शिव हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक चालाक ऑफिसर था, वो कानून के हर दांव को जानता है और उसी के सारे वो हमारे साथ खेल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो संग्राम सिंह की जिंदगी के साथ खेल जाएगा और हम सब बस हाथ मलते रह जाएंगे। हो सर, मेरे पास एक रास्ता है। क्या है? सर मेरे पास चंद ऐसे सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर हम संग्राम सिंह को गिरफ्तार कर सकते हैं, और एक बार संग्राम सिंह हमारी कस्टडी में आ गया तो उसके खून होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी बात तो ठीक है राम, मगर संग्राम सिंह को अरेस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। और बाबूराव भेजा के मर्डर के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया है। राम ने पुलिस तो हटा दी है, फिर तुमने ये भेस क्यों बना रखा? वर्दी वाली पुलिस हटाकर उसने सादे लिबास में अपने आदमी फैला रखे हैं, जो आपके बंगले के चारों ओर घूम रहे हैं। संग्राम सिंह का पता चला? संग्राम सिंह का पता तो मैं लगा चुका हूं, मगर हम लोग वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसने अपनी हिफाजत के लिए चारों तरफ अपने आदमियों की फौज खड़ी कर दी है। घने जंगल से घिरे उस पहाड़ी टेकरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और अगर हम लोग वहां पहुंच भी गए तो जिंदा वापस आना नामुमकिन है। इसलिए सर दोबारा मैं आपको मौत के मुंह में नहीं ढके सकता। देखिए सर, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा। जावेद, संग्राम सिंह की मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने तो कफन पहन लिया है, अब मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी दोस्त। जावेद, 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 शिव भैया कहाँ है? शिट, शिव मुझे धोखे से बेहोश करके चले गए। कहाँ? संग्राम सिंह से बदला लेने। संग्राम सिंह? देखो राम, अगर शिव भैया की जान बचानी है तो फौरन मेरे साथ चलो। चलो। आ गया हमारा हेलीकॉप्टर।
गुडबाय इंडिया। आसमान से ही उतरा करती है। मौत और मेरी हसले सांगा, जी भर के हसले, क्योंकि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी शिव, मगर हम जाते जाते तुम्हें मारकर अपनी हसरत जरूर पूरी करके जाएंगे। तेरी बेवकूफी पे हंसी आती है सांगा, गोला बारूद के हथियारों से मौत को डराता है। ये देख, उधर तेरी गोली चली, इधर ये बारूद फटा, मेरे साथ साथ तेरे जिस्म के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। अब क्या मुझे तेरे इन बेवकूफ आदमियों से यह भी कहना पड़ेगा कि वो अपनी बंदूकें फेंक दें? बंदूकें फेंक दो, फेंक दो बंदूकें। मंगल, अब इसके जिस्म से मौत का यह सामान उतारो। Thank you.
मकसद पूरा हो गया राम। अब मैं जा रहा हूं। नहीं भैया, भैया मैं आपको जाने नहीं दूंगा। देख, तेरी भाभी मुझे बुला रही है राम। भैया भैया मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, भाभी भी मुझे छोड़ के चली गई है। भैया मैं किसके सहारे जीऊंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा भैया। भैया स्टैचू, भैया ऑफ ऑफ भैया।
भैया, आओ भैया, भैया आओ, आओ भैया, आओ भैया, भैया।